छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में सुरक्षा बलों के 7 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले में वीरगति को प्राप्त करने वाले शहीद रामकुमार यादव का पार्थिव शरीर सोमवार को कांकेर में पंचतत्व में विलीन हो गया। वहीं चारामा क्षेत्र के चिनौरी गांव में रहने वाले शहीद जवान सलिक राम सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर शहीदों के परिजनों के साथ साथ सैकड़ों लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूरा परिवार शोकाकुल था। इस मौके पर विधायक शंकर धुरवा, DIG पुलिस TR पैकरा, SP कन्हैयालाल ध्रुव, जिला पंचायत CEO ऋषा प्रकाश चौधरी समेत जनप्रतिनिधि और पुलिस जवान मौजूद थे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला पुलिस बल के जवान चोलनार से किरंदुल के बीच सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निजी वाहन में सवार होकर जा रहे थे, उसी समय लगाए गए IED विस्फोटक की चपेट में आ गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और 7 जवान की मौत हो गई। इस घटना के बाद माओवादी शहीद जवानों के 4 इंसास राइफल और 2 AK-47 राइफल भी लूट लिए गए हैं। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.